हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, झारखंड की जो न्यू वैकेंसी है JISCKST 2022 का फाइनली लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें झारखंड क्लर्क हिंदी टाइपिंग की वैकेंसी है। तो फाइनली आप लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, गूगल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमको टाइप करना पड़ेगा JSSC। टाइप कर लेने के बाद हमको इसे सर्च मोड में लाना पड़ेगा। अगर हम सर्च मोड में ले आते हैं, उसके बाद हमें JSSC का ऑफिशियल साइट आ जाता है। उसके बाद हमको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यह इंटरफेस दिखता है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आता है कि अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, यहाँ देखिए आपको अप्लाई के लिए आ रहा होता है। तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JISCKST CCE, और इस तरह से और भी एप्लीकेशन के लिए है, तो हमें उसको ध्यान नहीं देना है, हमको इसमें काम करना है। तो देखिए अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो अप्लाई नाउ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें बोला है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, बोला है आप ऑफिशियल साइट्स में हैं, तो आप इसे ओके कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए। उसके बाद हमको फिर से यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, फिर इसमें ओके एक बार और प्रेस कर देना। अब देखिए खुल गया। ठीक है, खुल गया। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है, देखिए आपको 26 जून से भरा रहा है, लेकिन लिंक थोड़ा लेट से एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, न्यू कैंडिडेट है उसके लिए है, और जो पहले से लॉग इन किए हुए हैं एक बार जो कर लिए हैं उनके लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए अभी हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमारा रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन एक दिन बाद आपका पेमेंट होगा। ठीक है, तो रजिस्टर हो जाने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके बाद हमको लॉग इन करके वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो आज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसे आप रखे रहिएगा, उसके बाद आपका पेमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम न्यू कैंडिडेट हैं, तो नया में हम क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारे पास इस तरह से खुल के आ गया। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आर यू इंडियन सिटीजन, डेफिनेटली वी आर इंडियन सिटीजन, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। ठीक है, फिर बोला है मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फॉर्म अफिलिएटेड स्कूल, तो बोला है कि आपका मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट झारखंड से हुआ है, तो आप इसमें नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि आप अगर आपका मैट्रिक और इंटर झारखंड से है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा, तो आपको यस लिखना है। ठीक है, यस। ठीक, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको देखिए क्या आता है, यू आर है, EWS है, SC है, ST है, तो हम यहाँ पर करते हैं EBC 1। ठीक है, अगर आप लोकल कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए देखिए आपका DC से बना हुआ है, SDO से बना हुआ है, CO से बना हुआ है, तो हमारे पास SDO का बना हुआ है, तो हम SDO लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोकल रेसिडेंट है झारखंड का, तो आपको है तो यस करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सर्टिफिकेट नंबर लोकल रेसिडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो रेसिडेंशियल होगा उसमें लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में आपका एक लिखा हुआ होगा, है ना, उसमें आपका देखिए JHRC और ये लिखा हुआ होगा और कुछ डेट लिखा हुआ होगा। जिस तरह से मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट 2018 का बना हुआ है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं, देखिए हर एक का सर्टिफिकेट में थोड़ा कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, तो आप उसमें वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और देखिए इसके बाद आपको जिस तारीख को ये इशू हुआ है, ठीक है, जिस तारीख को यह इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, उस डेट को आपको देना है। देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पर ये लिख लेना है। सबसे पहले आपको ना इसमें ईस्वी को देना है। तो चलिए मेरा अगर मान लेते हैं 2020 में बना है, ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें मेम सेलेक्ट करते हैं, इसमें अगस्त का एक तारीख आपको, जुलाई की तारीख आपको 17 सेलेक्ट कर लिए,
ठीक है, तो ये हमारा आ गया 17 जुलाई 2020, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज, मतलब झारखंड के जो रीति रिवाज है, कस्टम है, आप उसे जानते हैं तो आप अगर जानते हैं तो यस, नहीं जानते हैं तो नो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप इसमें क्या कीजिए, यस कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका सब हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, सिलेक्ट पेपर लैंग्वेज। देखिए इसमें आप बड़ी सावधानी से कीजिएगा, जो आपको आता है, जो लैंग्वेज आपको आता है, उसी को आपको प्रीफर करना है। देखिए इसमें बोला है उर्दू है, संताली है, मुंडारी है, कोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, बंगला है, कुड़ुक है, खरिया है, हो है, उड़िया है। तो इन सब सब्जेक्टों में से, लैंग्वेजों में से आपको एक चुनना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नागपुरी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, तो रिजर्वेशन कैटेगरी का हमको यहाँ पर बोला है, रिजर्वेशन कैटेगरी में देखिए हमको क्या लेना है, तो हम क्या करते हैं, हम EBC 1 से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो देखिए वहाँ पर क्या था, JHRC वहाँ पर लिखे थे, क्योंकि R से रेसिडेंशियल होता है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि JH है ना, JHCC यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सी से कास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, JHCC। अब जब भी हमारा आपका सर्टिफिकेट बना है 2019 या 20 में कभी भी बना है तो आप उसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट मेरा HDO से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट हम देते हैं इसको, है ना। तो देखिए सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 2019। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी है, जैसे मान लीजिए अप्रैल महीना बना है, ठीक है, अप्रैल महीने के 10 तारीख को, तो आपका यहाँ पर डेट मेंशन हो गया। ठीक है, हाँ, उसके बाद आप चलिए, देखिए बोला है आर यू ए फिजिकली हैंडीकेप्ड, क्या आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, तो बोला गया है इसमें अगर आप 40% तक अगर हैंडीकेप हैं तो ही आपको इसमें सर्टिफिकेट दर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दें अगर हैं तो यस, नो तो नो है, तो यहाँ पर हम यस नहीं लिख सकते क्योंकि हम नहीं हैं। ठीक है, आर यू एक्स सर्विस मैन आर्मी एयरफोर्स, तो यहाँ पर नो। ठीक है, डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, तो अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप उसे दे सकते हैं, तो मैं बिलोंग करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो हम नो देते हैं। ठीक है, वैकेंसी टाइप क्या है, रेगुलर बैकलॉग, बोथ फॉर रेगुलर एंड बैकलॉग, तो जो आपको देना है आप रेगुलर दीजिएगा, बैकलॉग या दोनों में देना है, तो आप वो आप पे डिपेंड करता है, तो आपको रेगुलर दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका बोथ है वो ST के लिए होता है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी में आप पोस्ट किस तरह से आप अप्लाई कीजिएगा वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, तो पोस्ट आप अप्लाई प्रीफ्रेंस में किस आधार पर रखिएगा, देखिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर क्या होता है ना, कि जिसमें आपका वैकेंसी ज़्यादा है ना, वैकेंसी जिसमें ज़्यादा है डेफिनेटली आप उसी के लिए अप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर जिस तरह अप्लाई करना है वो आपके लिए इस तरह नहीं होगा कि आप उसी को अप्लाई करो, और आपके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर सीरियल वाइज दे दिया है, आप एक नंबर में इसको रखो चाहे उसको रखो, है ना, यह दी दे दिया है, आप उसके आधार पर रखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिक्वेंस वाइज यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला रख देते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में रखना है, हम अपने अकॉर्डिंग में रख रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसके आधार पर आप वैकेंसी वाइज आप देखते जाओगे, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वही आप अप्लाई करोगे। ठीक है, वो बेस्ट होता है। ठीक है, इसमें देखिए, हाँ, इसके बाद आपका लोअर डिवीजन का, ठीक है, फाइनली
हो चुका है, ठीक है। अब कैंडिडेट का नाम देना है, तो कैंडिडेट का नाम देना है तो आप दे दीजिए MASODD, कैंडिडेट का नाम मैंने यहाँ पर दिया, नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम दे दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको भी कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो कैंडिडेट का आप फुल नेम दीजिएगा, देखिए इसी में ठीक है। आप देखिए बोला है डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स, आपको मिस्टर मिसेस श्री श्रीमती ऐड नहीं करना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के लिए बोला है, तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से करना है। अगर आपका डेट तो देखिए तो आप देखिए मान लीजिए अगर आपका 94 है, ठीक है, और आपका जून में है मेरे हिसाब से, तो ये मेंशन हो गया आपका, ठीक है। जेंडर आप सिलेक्ट कर लो, जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो भी आप सेट करना चाहते हो आप यहाँ पर सेट कर लोगे। अगर हम सेट करना चाहते हैं तो आलम, ठीक है, जो भी अगर आप सेट करना चाहते हैं कंफर्म होके आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो ठीक है 786 इस तरह से हम दे देते हैं। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो, मोबाइल नंबर देखिए दे सकते हैं आप। मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं 8540 8545 8855, अगर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये हमको नीचे जाना है, ठीक है। ये सारे चीज़ तो हम भर दिए यहाँ पर, कहीं पर कुछ खाली नहीं दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तो जी में कैपिटल में है, एन है, फिर से एक्स है, फिर हमारा जेड दिया हुआ है, फिर टू है, फिर एल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर दिए हो, उसके बाद एक बार देखिए आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लेना है, ठीक है, चेक कर लेना है आपको, ठीक है। आप पूरा एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। चेक करने के बाद आपको इसमें कहीं पर भी आप अपना सर्टिफिकेट से मैच कराओ, कहीं पर अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भी होगा आप भरते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आप सबमिट या कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी फॉर्म क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं भरना है, ठीक है। इसीलिए मैं एक डेमो आपको दे रहा था, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपका जो ईमेल आप दिए हुए हैं, जो मोबाइल नंबर दिए हैं, उसमें आपका एक आ जाएगा। आप उसको फिर उसको आप क्या कर फिल करोगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद सबमिट और कंटिन्यू करने के बाद आपको फाइनली एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी में चला जाएगा और आपका नंबर में भी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से वापस स्क्रॉल करके फिर से बाहर वहाँ से आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ दबाने को मिलेगा। अब वहीं पर सबमिट करने के बाद अब सबमिट हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद स्क्रॉल करने के लिए वहाँ पर आपको जगह मिलेगा, वहाँ पर आप दबा दीजिएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास रखना है और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रजिस्टर नाउ या कर, तो हम कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन, अगर रजिस्टर आप कर लिए हैं उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिर से डालना है यहाँ पर, उसके बाद कैप्चा इंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन आप कीजिएगा तो फाइनली आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर नेम सारा चीज़ आपको वहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है क्योंकि इसके बाद का स्टेप आगे हम करेंगे, क्योंकि जब हम पूरा फॉर्म फिलिंग कर लेंगे उसके बाद आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्म इसका डेमो दिया है वो रियल डेमो है, फॉर्म उसी तरह से हमको भरना है, ठीक है। तो आप उसको सही से देख सकते हैं, अब अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप जितना शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।